हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसुंधरा, आपकी दोस्त। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ में एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और उस ब्रांड जिस ब्रांड के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ, उस ब्रांड को लेकर इन दिनों, लाइक सिंस लास्ट 6 मंथ कह सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत ग्रैंड तरीके से उसको प्रमोट किया है। लाइक आप समझ आइए, बहुत ग्रैंड तरीके से प्रमोट किया है। जिस तरीके से वो लोग प्रमोट करते हैं, उसे देखकर मैं क्या, आप क्या, कोई भी इंसान एक बार इन्फ्लुएंस जरूर होगा और वहां से शॉपिंग जरूर करेगा। लेकिन सिचुएशन ये है, बात ये है कि हमें जिस हिसाब से प्रमोशन दिखाया जाता है ब्रांड का, उसके पीछे बहुत सारी कंडीशंस जो है यूट्यूबर्स के साथ में लॉकअप की जाती है। यानी कि लाइक अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे कोई अगर ब्रांड बात करती है, तो वो ब्रांड आपको बहुत सारी चीजें बताती है कि आपको वीडियो में ये बताना है कि आपको ये, आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है, आपने इसको शॉपिंग की है और आपको इतने कम पैसों में इतना सारा सामान मिल गया है, आपको ये सब चीजें बतानी है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी ही साइट है, और मैंने भी एज अ कस्टमर, एज अ सब्सक्राइबर होकर ये सामान मैंने इस ब्रांड से मंगवाया है। ठीक है, ये सामान मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, 50-50 लगा, ये तो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। आप सबको पता है कि मैं चीजों को लेकर झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे किसी ब्रांड ने पैसे नहीं दिए हैं, मुझे किसी ब्रांड ने फ्री का सामान नहीं भेजा है, मुझे किसी ब्रांड ने या किसी का इसी ब्रांड ने मुझे अप्रोच नहीं किया है। तो एक कस्टमर ही आपको जो है परफेक्ट रियल रिव्यू दे सकता है सामान को लेकर। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ मीशो ब्रांड की। जी हाँ, मीशो इन दिनों बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पे, बाकी का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, और एज अ यूट्यूबर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बड़े ब्रांड, बड़े यूट्यूबर्स को, जिन लोगों के 1 लाख से ज्यादा के सब्सक्राइबर हैं, या जिन लोगों के 50,000, 60,000 या 20 या 30,000 सब्सक्राइबर वाले जो चैनल्स हैं, जिन जो लोग मीशो के साथ में प्रमोशनल वीडियो का काम कर रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे और मैं बहुत कन्विंस हो गई हूँ कि शॉपिंग जब मैंने करी तो मैं बहुत कन्विंस हो गई हूँ। और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो आपको मैं आगे बताती हूँ कि मैं आपके साथ में आज ये वीडियो क्यों शेयर कर रही हूँ, मेरा मेन मोटिव क्या है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके साथ एज अ यूट्यूबर नहीं, एज अ सब्सक्राइबर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सामान बाय किया है, मुझे इस ब्रांड ने कोई फ्री प्रमोशंस नहीं दिए हैं, कोई फ्री वीडियो, यानी कि वीडियो के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं। और ना ही मैं ये कहूँगी कि क्योंकि मुझे किसी ब्रांड ने सामान फ्री का नहीं भेजा है, तो इसलिए मैं ये वीडियो इस तरीके से बना रही हूँ, या मुझे सो ऑन, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचेंगे कि मुझे ये साड़ी कुछ इस तरीके की पैकिंग में आई है, बिल्कुल ऐसे ही पैकिंग, साड़ी के अंदर एक प्लास्टिक का रैप किया हुआ, 1 मिनट, यस, साड़ी के अंदर, हाँ ये रहा वो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक में साड़ी रैप होके आई आई थी, और ये वाला प्लास्टिक इसके अंदर रैप होकर आया था। ठीक है, ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए है। तो अब आप मुझसे सोचोगे कि मैंने क्या ऑर्डर किया, तो मैंने ये साड़ी ऑर्डर की थी, साड़ी मैंने ऑर्डर करी है ये वाली रफल साड़ी कह सकते हो आप उसको, रफल साड़ी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है, कि ये साड़ी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने साड़ी अच्छे से देख ली है, तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि साड़ी की लंबाई काफी है। जैसे आपको पता है कि मेरी जो हाइट है वो 5'8" 5'9" है, उस हिसाब से साड़ी पूरी तरीके से काफी लंबी है, लाइक काफी 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 लंबी है, और साड़ी में फ्रिल्स वगैरह भी दी हुई है, ये आप देख सकते हो फ्रिल्स दी हुई है। इसके पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट दिखा देती हूँ, बाद में आपको उसके ड्रॉबैक्स भी दिखाऊंगी। साड़ी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और फ्रिल्स वगैरह जो है
ऐसी आई हैं फ्रिल्स, आप देख सकते हो फ्रिल्स वगैरह, साड़ी पहनी भी अच्छी लगेगी। और साथ में ये आप देख रहे हो, ये एक यहाँ पे बहुत अच्छा क्या बोलते हैं इसको, लेस कह सकते हो, जो कि पेट के नीचे या जो ऐसे करके आती है ना शोल्डर पे, वो आएगी। ठीक है, पूरी साड़ी इसी तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, साथ में उसका ब्लाउज अटैच दिया गया है साड़ी का, जो साड़ी की लेंथ मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 6 मीटर की है, लेकिन इसी साड़ी के अंदर ही इसका ब्लाउज दिया गया है जो कि है 0.8, और जो साड़ी है वो है 5.5 मीटर की साड़ी है। ये पूरी साड़ी मैं आपको दिखा दिया है। साड़ी में ऐसा कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं मिला है मुझे अभी, लेकिन मैं यहाँ आपको बात बता दूँ, साड़ी प्रॉपर लंबी है। हाँ, अब बताती हूँ मैं आपको साड़ी का डिफेक्ट क्या है। साड़ी का डिफेक्ट प्रोसेस ये है कि इसकी जो फ्रिल है या इसमें जो भी स्टिचिंग्स दी गई हैं वो सब सिंगल स्टिचिंग है, यानी कि तरपाई करने वाली जो स्टिचिंग होती है ना, तरपाई करने वाली स्टिचिंग, ये वो है। तो इसके लिए आपको घर पे, मैं आपको दोबारा फिर से दिखा देती हूँ अच्छे से कि ये किस हिसाब से स्टिचिंग की गई है। ये देखिए, ये दिख रही है आपको यहाँ पे स्टिचिंग, कैन यू सी? ये देखिए, ये सिंगल स्टिचिंग यहाँ पर दी गई है। तो इसकी फ्रिल बीच बीच में कई जगह पे जो कि है उधड़ी हुई मुझे मिली है, उधड़ी हुई फ्रिल मुझे यहाँ पे ये मिली है, और बीच बीच में जो है सफाई से काम भी नहीं किया गया है, ऊपर नीचे की स्टिचिंग यहाँ पे मारी हुई है। तो ये जो पूरी साड़ी है ये सिंगल स्टिचिंग पे है, यानी कि सिर्फ तिरपाई एक एक स्टिचिंग इसमें दी गई है। ठीक है, एक एक स्टिचिंग, तो ये आपको घर पे खुद से ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ये पूरी फोल्ड कर दी है। इसका ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि इस साड़ी के जितने भी फ्रिल्स दिए गए हैं, ये वाली फ्रिल्स, ठीक है, ये वाली फ्रिल्स, ये सब सिंगल धागे से किए गए हैं। तो आपको एक बार मशीन जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इफ इन केस गलती से अगर आपके साड़ी किसी के पैरों पे आ गई या फिर कुछ भी ऐसी अनहोनी हो गई, तो ये जो फ्रिल्स हैं वो धड़ाधड़ अपने आप ही खुलती चली जाएंगी। ठीक है, तो और इसके साथ साथ ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू कर रही हूँ, और ऑनेस्ट रिव्यू में मुझे ये साड़ी ठीक ठाक लगी है। लाइक ऐसा नहीं कह सकते, मैंने सिर्फ ये एक ही साड़ी मंगवाई थी, उस एक साड़ी के हिसाब से इसका प्राइस कुछ मुझे मिला है 625 का, और वैसे इसका प्राइस था 725, और फर्स्ट बाय करने पे मीशो की तरफ से आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिलते हैं, आई गेस 70, 80 या 90 रुपीज़ वो फर्स्ट जो आप परचेज करते हो उसमें ऑफ कर देते हैं। तो इसका प्राइस था कुछ 725। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और मेरे हस्बैंड को ब्लू कलर अच्छा लगता है मेरे ऊपर, तो इसलिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है। और जहाँ तक कहूँ 10 में से मैं इसे, फिर भी 10 में से मैं इसे 7 या 6 देना फिर भी पसंद करूंगी। तो स्टिचिंग जो है एक बार फिर से आपको स्टिचिंग मारनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये कहीं पर भी धोखा दे सकती है, अच्छा नहीं लगता कहीं से भी उधड़ी हुई साड़ी पहनना। तो जो है आपको इन फ्रिल्स के ऊपर एक बार मशीन घुमानी ही पड़ेगी, यानी कि सिलाई करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, और अगर आपकी लेंथ बिल्कुल मेरी ऐसी है, अगर आप 5.5 या 5.86 तक भी अगर आपकी हाइट है, तो आपको इसमें से ब्लाउज निकालने की जरूरत नहीं है, ब्लाउज नहीं मत निकालिए, अदरवाइज साड़ी छोटी पड़ जाएगी। मुझे साड़ी छोटी पड़ेगी अगर मैंने ब्लाउज निकाला, तो इसके लिए मैं अलग से मैं ब्लाउज देखूंगी कि मुझे कैसे अरेंज करना है। और ऑल एंड ऑल मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक डील थी, बट मैं इतना कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट फिर भी 10 में से मैं इसको 6.5 और 7 देना चाहूंगी। दोबारा फिर से बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं ये सामान मंगा रही हूँ, और उसी का रिव्यू मैं आपके साथ में आज करने वाली थी। आई होप आप लोग अगर मीशो से शॉपिंग कर रहे हैं और आपका कैसा जो है इसके साथ रिव्यू रहा है, आपका एक्सपीरियंस मीशो के साथ में कैसा रहा है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, इतना ही कहूंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, और अगर आप ये रिव्यू, अगर आपको इस साड़ी का रिव्यू अच्छा लगा और आप लिटरली जानना चाहती थी कि मीशो से अगर रफल साड़ी मंगाते हैं तो वो कैसे आती है, तो इसको शेयर जरूर करने अपने फ्रेंड सर्कल पे जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी कम्युनिटी को, मेरी यूट्यूब कम्युनिटी को
और स्प्रेड करने में मेरी हेल्प कीजिए। तो चलिए फिर आज का रिव्यू इतना ही था। किसी भी साइट को परखने से पहले एक रिव्यू तो बनता ही है, तो वो रिव्यू मैंने आज आपको दिया। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।